हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, मैं गौरव, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल द ज्ञानी स्टॉक मार्केट में। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कल के लेवल के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे इंट्राडे के लिए, वो देख लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें, हम जो भी अपडेट डालते हैं स्टॉक और लेवल से रिलेटेड। तो चलते हैं, कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो देख लेते हैं। और आज जिस प्रकार से निफ्टी विफ्टी की वीकली एक्सपायरी बनाई गई है, बिल्कुल साइडवेज मार्केट को रख के एकदम डेड एक्सपायरी बना दी गई है। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सेलर्स का ही पैप्सा बना होगा, ऑप्शन बायर्स के लिए कोई मूव नहीं था। तो यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि कल आपको बड़े मूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए केयरफुली होके आपको कल प्ले करना होगा। कल फ्राइडे है तो उसके बाद वीकेंड चालू हो जाएगा, तो कोशिश करना है जो भी ट्रेड लें कल ही स्क्वायर ऑफ करें। और कल आपको डेफिनेटली बड़े मूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस प्रकार से आज निफ्टी फिफ्टी की ये एक्सपायरी बनाई गई है, कोई मूव नहीं आया, बिल्कुल साइडवेज रख के मार्केट को बंद किया गया है। तो कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशन दिख रहे हैं यहाँ से, जो आपको बड़े मूव की तरफ लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो केयरफुली रहना है। कल के दिन प्ले करते हुए आपको कोई भी कॉल और पुट कैरी नहीं करके जाना है, ओवरनाइट लेके नहीं जाना है। चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और डिस्कशन कर लेते हैं कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी के लिए। तो आज अगर आप देखोगे, बिल्कुल भी बड़े मूव नहीं होने दिए। जिस प्रकार से एक्सपायरी होती है, उस प्रकार से कोई एक्सपायरी बनाई नहीं गई। सिर्फ ऑप्शन सेलर्स के लिए ही पैसा था यहाँ पे, ऑप्शन बायर के लिए कोई पैसा नहीं बन सकता था। तो इस तरीके की मार्केट के अंदर जो भी रिटेल ट्रेडर हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि बड़े मूव नहीं हो रहे हैं या मार्केट मूव नहीं करने वाला है, तो आपको इस तरीके की मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। नहीं तो ऑप्शन सेलर्स आपका पैसा खा जाएंगे, मार्केट मूव नहीं करेगा पर आपका प्रीमियम घिसता चला जाएगा। तो ऐसी मार्केट के अंदर आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ही फिर ट्रेड ढूंढने चाहिए। तो यहाँ से कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, कल कौन से लेवल कामकाज करते हुए दिखाई देंगे, तो उनको उन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपसाइड के लेवल की। देखो, अपसाइड पे आपको क्या ध्यान रखना है, 22,680 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर निफ्टी फिफ्टी 22,680 के ऊपर टिकता है, तभी आपको फर्दर मूव आता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आज जिस प्रकार से 22,680 के पास हर्डल फेस कर रहा था, तो वापस से कर सकता है। तो 22,680 के ऊपर टिक रहा है, कामकाज कर रहा है, तो यहाँ से जो पहला मूव बन सकता है 22,715 का होगा। 22,715 के आसपास आने के बाद एक बार फिर से ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर 22,715 भी निकालता है, तो निफ्टी फिफ्टी इमीडिएट अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश करेगा, 22,775 और 22,780 के पास जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसको मार्क करके रखना है। अगर 22,775-80 भी निकल रहा है, तो इमीडिएट फिर ये 22,800 की तरफ मूव करने वाला है। और ये इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा, क्योंकि 22,800 पे बड़ी मात्रा में कॉल राइट करके बैठे हुए हैं, जो ट्रैप कर सकते हैं बुल्स को। 22,815-810 के आसपास लेके जाएं, फिर वहाँ पे हर्डल फेस कराएं और फिर वापस से गिराएं। तो 22,800 के पास आपको ध्यान रखना है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है निफ्टी फिफ्टी के लिए। तो ये लेवल आपको मार्क करके रखना है। अगर कल किसी कारणवश कोई गैप अप आता है और ये गैप अप ऑल टाइम हाई के पास, यानी कि 22,775 और 22,780 के आसपास गैप अप आ रहा है, तो आपको इमीडिएट कोई भी कॉल नहीं लेनी है, आपको वेट करना है किस तरीके से निफ्टी विफ्टी इस लेवल पे कामकाज कर रहा है। अगर ये इसके ऊपर टिकता है और 20 से 30 मिनट कंटिन्यूसली 22,780 के ऊपर टिक रहा है, तो यहाँ से फर्दर मूव कर सकता है फिर निफ्टी विफ्टी। ये आपको ध्यान में रख के चलना है, 22,800 और 22,815 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है अपसाइड पे, ये आपको अपसाइड में मार्क करके रखना है। और वहीं पर अगर हम बात करें डाउन साइड पे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी फिफ्टी के लिए, अगर निफ्टी फिफ्टी 22,630 के नीचे कामकाज करने लगे, यानी कि इन सब के नीचे निकल जाए, तभी आपको नीचे के लिए प्ले करना है। तो यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट निकल के आएगा 22,580 की तरफ निफ्टी फिफ्टी मूव कर सकता है, यानी कि यहाँ कहीं आने के बाद आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है यहाँ पे। अगर 22,580 भी नीचे की तरफ खसकाता है, तो फिर फर्दर मूव जो है निफ्टी फिफ्टी के लिए 22,540 का होने वाला है। फिर आपको जो है निफ्टी फिफ्टी 22,540 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। और 22,540 भी सपोर्ट नहीं बन पाता है, तो फिर 22,500 का आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा निफ्टी फिफ्टी। ये आपको डाउन साइड पर ध्यान रखना है। अगर कोई बड़ा गैप डाउन आ जाए, ध्यान रखना है कल किसी कारणवश कोई बड़ा गैप डाउन आ जाए और ये गैप डाउन 22,520
500 के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे आपको निफ्टी फिफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है और बाउंस बैक भी कर सकता है। तो ध्यान रखना है, इस रेंज में जब निफ्टी फिफ्टी आए तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली होकर प्ले करना रहेगा। इमीडिएट कोई भी पुट मत लेना है, वेट करना है किस तरीके से इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी फिफ्टी कामकाज कर रहा है। अगर ये सपोर्ट बना रहा 20 से 30 मिनट तो डेफिनेटली बाउंस बैक होने वाला है, अदरवाइज इसके नीचे निकलेगा तो फिर ये फॉल कर सकता है और फर्दर गिरावट भी दिखा सकता है, जो इसको 22,470 की तरफ लेके आ सकती है, जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। 22,470 की तरफ मूव हो सकता है। अगर 22,500 का सपोर्ट नहीं मिला तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट इसके लिए 22,470 हो सकता है, ये आपको नोट डाउन करके रखना है डाउन साइड पे। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके ओआई डाटा की। तो निफ्टी फिफ्टी की एवरेज क्लोजिंग मिली है 22,648 की। तो सबसे पहले आप 22,700 पे देख लो, 22,700 पे 1,36,000 के आसपास कॉल राइट करके गए हैं, 93,000 का ओवाई चेंज हुआ है। जिस प्रकार से आज साइडवेज था, सबके सब 22,700 पे कॉल राइट करके बैठ रहे थे। उसके बाद 22,800 पे देखोगे 1,13,000 के आसपास यहाँ पे भी कॉल राइट है और 63,000 का ओवाई चेंज हुआ है। तो बड़ी मात्रा में 700 और 800 पे कॉल एड करके बैठ चुके हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हर्डल रहने वाला है निफ्टी फिफ्टी के लिए। अगर अपसाइड मूव आता भी है तो यहीं पे ट्रैप किया जाएगा सभी को। अगर ये निकाल देता है इसके ऊपर और इसके ऊपर ठीक ठाक क्लोजिंग आने लग जाती है, 22,800 के ऊपर अगर निफ्टी फिफ्टी क्लोज करने लग जाता है, तो आपको इमीजिएट बहुत तगड़ा बाउंस बैक होता हुआ दिखाई देगा, जो उसको इमीजिएट 22,900 और 30,000 की तरफ लेके जाएगा। तो ध्यान रखना है, 22,800 के ऊपर टिकने लगा तो जितने भी कॉल रेट करने वाले हैं उनको हटना पड़ेगा और फिर आपको अप साइड पे शॉर्ट कवरिंग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है कॉल साइड पे। वहीं पे अगर आप देखो कि 22,700 पे पुट राइट देखोगे तो 1,13,000 के आसपास पुट राइट हुई है और 90,000 का ओवाई चेंज हुआ है, तो यहाँ पे भी ठीक ठाक सपोर्ट बना के बैठे हुए हैं। पुट साइड पे भी आप देखोगे 22,700 पे तो एक टग ऑफ वॉर दिखेगी आपको 22,700 पे। अगर अपसाइड पे निकलेगा डेफिनेटली ये अपसाइड पे जाता हुआ दिखाई देगा और इमीडिएट अपने ऑल टाइम हाई के पास जाने की कोशिश कर सकता है। अगर 800 के ऊपर टिकना चालू कर दिया तो डेफिनेटली आपको अच्छे खासे मूव अपसाइड पे आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे 22,600 पे पुट राइट करके बैठे हैं, 1,00,000 के आसपास यहाँ पे पुट राइट है, फिर 22,500 पे भी आपको 1,10,000 के आसपास पुट राइट है, तो कोई फॉल आता भी है तो आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है 22,500 पे मिलने वाला है। यहाँ पे आपको निफ्टी फिफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, 63,000 का ओवाई चेंज हुआ है, तो यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है कि हल्का फुल्का फॉल कर सकता है, 22,500 के नीचे हल्का फुल्का जा सकता है, पर इमीडिएट ऊपर खींचेंगे और अच्छा खासा खींच सकते हैं। तो ध्यान रखना है 22,500 का ठीक ठाक सपोर्ट है, अगर कोई भी गिरावट आती है तो 22,500 पे आपको वॉच करके चलना है, मार्क करके रखना है, ताकि आप ध्यानपूर्वक प्ले कर सकें 22,500 के आसपास से। ठीक है, कल के लिए कोई भी ओवरहेड कैरी नहीं करेगा, ये आपको भी ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो आज बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें कोई बड़े मूवमेंट होते हुए नहीं दिखाई दिया, आप देख सकते हो बिल्कुल साइडवेज रखा गया है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आने दिया, सिर्फ ऑप्शन सेलर्स ही यहाँ पे पैसा कमा रहे होंगे, ऑप्शन बायर के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा यहाँ से पैसा बना पाना। तो कोशिश करना चाहिए आपको, थोड़ा समझना होगा कि अगर साइडवेज मार्केट है, कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो ऐसी मार्केट के अंदर आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, किसी भी साइड नहीं लेनी चाहिए, ना ऑप कॉल साइड ना ही पुट साइड। इस तरह की मार्केट में अगर आप एंट्री लोगे डेफिनेटली आपका प्रीमियम घिसने वाला है, आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए। देखो अपसाइड आपको क्या ध्यान रखना है, 49,280 का लेवल मार्क कर लेना। अगर बैंक निफ्टी 49,280 के ऊपर टिकता है तो यहाँ से जो आपको पहला टारगेट मिल सकता है वो 49,400 का होगा, यानी कि इस रेंज में कहीं पे निफ्टी निफ्टी बैंक जो हर्डल फेस कर सकता है। अगर 49,400 के ऊपर टिकना चालू करता है तो यहाँ से फर्दर मूवमेंट जो है निफ्टी बैंक के लिए 49,540 की तरफ होता हुआ दिखाई देगा, यहाँ कहीं पे आता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी बैंक। अगर 49,540 के ऊपर भी टिकता है बैंक निफ्टी तो फिर फर्दर मूवमेंट जो है 49,650 का बनने वाला है, फिर निफ्टी बैंक जो है आपको इस रेंज तक कहीं जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मार्क करके रखना है आपको 49,650 का लेवल अपसाइड पे इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर 49,650 भी निकलता है तो फिर निफ्टी बैंक जो अप्रोच कर सकता है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 49,974 की तरफ कोशिश करेगा, यानी कि फिर से एक बारी 50,000 का लेवल छूने की कोशिश कर सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा और वो पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकते हैं, क्या पता जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये लेवल मार्क करके रखना है आपको अपसाइड पे। वहीं पर अगर हम बात करें डाउन साइड के लिए, देखो कौन से लेवल
इंपॉर्टेंट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो डाउन साइड पर आपको ध्यान रखना है 49,180 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज यानी कि इन सबको निकाल दे नीचे की साइड, तभी आपको नीचे की साइड प्ले करना है। और यहाँ से जो हमारा पहला टारगेट होगा 49,050 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे आपको पहला सपोर्ट बनेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इस रेंज में कहीं पे सपोर्ट ले सकता है, 49,000 पे भी ले सकता है और 49,050 पे भी ले सकता है, तो ये मार्क करके रखना है आपको। अगर 49,050 के नीचे भी खसक रहा है, कंटिन्यूसली इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है 48,940 का, मार्क करके रखना है 48,940 का लेवल। अगर निफ्टी बैंक 48,940 के नीचे खसकना चालू कर दिया तो फिर एक गिरावट हो सकती है और इमीडिएट जो इंटरडे में गिरावट हो सकती है 48,840 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, ये ध्यान रखना है आपको। इंटरडे के अंदर जो भी रिटेल ट्रेडर हैं लेवल को मार्क करके रखना है, 48,940 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे खसका तो बड़ी गिरावट की संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल छोड़ेगा 49,000 का। अगर ये छोड़ता है तो डेफिनेटली फिर आपको 48,000 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी, तो ये आपको डाउन साइड पर ध्यान रखना है। और अगर कोई बड़ा गैप डाउन आ जाता है तो इमीडिएट कोई भी आपको बाइंग नहीं करनी है, ना कॉल ना पुट देखना है। अगर ये गैप डाउन 49,000 के आसपास आ रहा है तो वहाँ से बाइंग बाउंस बैक कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। अगर कोई अपसाइड पर कोई बड़ा गैप अप आता है तो इमीडिएट कोई भी कॉल नहीं लेनी है आपको, देखना है किस तरीके से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है लेवल के आसपास। अगर सपोर्ट बनता है रेजिस्टेंस तो ही आपको अपसाइड प्ले करना रहेगा, लेवल को मार्क करके आपको प्ले करना है, कोशिश करना है, केयरफुल होकर प्ले करें और वेट करें, कंफर्मेशन मिलने दें, तभी अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके ओए डाटा की। तो निफ्टी बैंक की एवरेज क्लोजिंग हमें मिली है 49,231 की। तो सबसे पहले आप 49,500 पे देखोगे 1,81,000 के आसपास कॉल राइट करके बैठे हैं, तो इसलिए मैंने बताया है 49,520 का लेवल। एक बारी को ऊपर लेके जाएंगे ट्रैप कर सकते हैं कि 49,520 के 49,500 के ऊपर भी निकल रहा है, पर 49,520 के ऊपर टिकने लगे तभी आपको अपसाइड पे अगला मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा, नहीं तो ये ट्रैपिंग हो सकती है। तो ध्यान रखना है आपको 49,500 का लेवल अपसाइड पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखोगे 49,000 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट है, 1,37,000 के आसपास पुट राइट करके बैठे हुए हैं, तो कोई गैप डाउन आता है तो आपको इमीडिएट यहीं पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा और यहीं से बाउंस बैक हो सकता है। अगर निफ्टी बैंक 49,000 के नीचे या 48,940 के नीचे खसकने लग गया तो डेफिनेटली फिर फॉल हो सकता है, तो ये आपको मार्क करके रखना है। नहीं तो ट्रैप कर सकते हैं बियर्स को कि दिखाएंगे कि नीचे जा रहा है पर 49,000 के आसपास या 48,940 के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है, तो ये लेवल आपको मार्क करके रखना है डाउन साइड पे। ठीक है, केयरफुल होकर प्ले करना है, कल ओवरनाइट कैरी नहीं करना है, जितना ज़्यादा फोकस रखेंगे उतना ही अच्छा अपना ट्रेड निकाल पाएंगे। वेट करें, कन्फर्मेशन मिलने दें, तभी अपने ट्रेड को लें। जो भी रिटेल ट्रेडर हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर तभी पैसा बन सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा फोकस रखेंगे और चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका कमेंट करें, हम उसमें जवाब देंगे, आपको बताएंगे, चीज़ें समझाएंगे ताकि आप ठीक तरीके से अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। और अगर आपको हमारे लेवल ठीक लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय।